अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको जमात चहलूम का मज़मून इस्लामिया पढ़ा रही हूँ, जिसका सबक है अल्लाह का जान। ये एक छोटी सी कहानी की सूरत में दिया गया है, जो कुछ ऐसे है कि रात का टाइम है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लाइट गई हुई है। कुछ बच्चे अपने दादा जान के साथ छत पर बैठे हैं और दादा जान से कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं। तो दादा जान बच्चों से कहते हैं, अभी मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। इतनी देर में बादल छटते हैं और चांद निकल आता है और उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाती है। तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो सबसे छोटा है, जिसको मुन्ना कहते हैं, वो अपने दादा जान से कहते हैं, दादा जान ये क्या अल्लाह ताला की टॉर्च है जो आसमान पे जल रही है? तो दादा जान हंसते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, ये तो चांद है और ये अल्लाह ताला की खुद से रोशनी देता है। तो फिर मुन्ना दादा जान से कहते हैं कि दादा जान ये क्या इसके सेल भी होते हैं और ये क्या कभी ख़राब भी होती है जैसे हमारी टॉर्च खराब हो गई है? तो दादा जान कहते हैं, नहीं बेटा, ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से जलता है और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। ये जैसे सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहे हैं। फिर मुन्ना कहता है, दादा जान ये जैसे हम रात को थक के सोते हैं, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं, तो क्या जब अल्लाह ताला सोते हैं तो वो भी अपने चाँद की रोशनी बंद कर देते हैं? तो दादा जान ने कहा, नहीं बेटा, अल्लाह ताला तो वो तो ना नींद आती है, ना ऊँग आती है और ना ही उनको कभी कोई थकन होती है। तो मुन्ना कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा परेशान होता है। तो फिर दादा जान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुरान पाक की आयात में कि ना मुझे नींद आती है और ना ऊँग आती है। फिर दादा जान अपनी पोती आमना से कहते हैं, बेटा आप खड़ी हो और आयतल कुर्सी की तिलावत करें। आमना बड़े अदब के साथ खड़ी होती है, अपना दुपट्टा ठीक करती हैं, फिर सबसे पहले ताउस पढ़ती हैं, यानी कि आउज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, जिस जो कि इसलिए पढ़ा जाता है ताकि शैतान हमसे दूर भाग जाए। फिर उसके बाद तस्बीहां पढ़ती हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और फिर उसके बाद बड़े एहतराम के साथ आयतल कुर्सी की तिलावत करती हैं। फिर दादा जान अपने पोते असद से कहते हैं कि आप खड़े हो और आयतल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ें, जो कि ये है, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद जिंदा और दूसरों को कायम रखने वाला है, इस उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, उसका है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वो कौन है जो इसके यहाँ सिफारिश करे बगैर उसके हुक्म के? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी में आसमान और ज़मीन समाये हुए हैं और उसे भारी नहीं उनकी निगेबानी, और वो ही बुलंद और बड़ाई वाला है। इस सबक का खुलासा कुछ ये है कि इसमें ये बताया गया है कि ये तमाम जिम्मेदारी हम बड़ों पर आई होती है कि वो अपने बच्चों को अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताएं और वो कुछ बताएं जो उनके इल्म में नहीं है, यानी सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, ये सब कुछ किस अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, और अल्लाह ताला ने हम पर कितने एहसान हैं, अल्लाह ताला ने हम सब के हमारे लिए कितनी चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में, और हमारी आसाइश का कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी कही हुई बातें समझ गए होंगे और आयतल कुर्सी का तर्जुमा अच्छा